हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो आपको मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर रोज़ एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेली मैं टेस्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हैं, तो आज एम रखते हैं 5000 लाइक का, जिसको आप बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहा और ये टेस्ट आपको कैसा लगा। तो प्लीज इतना तो आप कर ही सकते हैं और टेस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 सेकंड मिलेंगे, उसी 5 से 6 सेकंड में आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, लटकती घाटी कहां पाई जाती है? तो आप ए बी सी डी में से ऑप्शन नीचे बताइए। तो बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का वह राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है? आप सभी को पता है गुजरात की तटरेखा लंबाई सबसे अधिक है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ए बी सी डी में से ऑप्शन नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, आप बता दिया करें चाहे भले ही गलत हो, क्योंकि इससे आपकी भी तो प्रैक्टिस बनती है ना, आपको याद रहेगा हमेशा, फिर जो भी आंसर आप गलत बताएंगे उसको नहीं लगाएंगे आप, ठीक है? तो 4 का राइट आंसर बिल्कुल सही अगर आपने बी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो बिल्कुल सही, 5वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन और आशा करता हूं कि आप इसका राइट आंसर जरूर लगा देंगे। तो यहां पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं या होते हैं? तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 आपके जो अलग से न्यायाधीश होते हैं, तो कुल मिला के 31 टोटल मुख्य मतलब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप यहां पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द हंग्री टाइड के लेखक कौन हैं? तो बिल्कुल सही है यहां पे अगर आप 9वें का राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो मैं आपको फिर दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूं, 5000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही है, 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की जरूर कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल सही, यहां पे 12वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो 13 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। यहाँ पे नेक्स्ट है, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? और 14 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, नोर गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? ये कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। तो 17 का देखिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन डी अगर आप लगा रहे हैं तो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जरूर बताइएगा ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? दोस्तों बस 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो प्लीज टेस्ट को लगाते रहिए और बताइएगा जरूर कितना आपने सही किया। तो बिल्कुल सही है यहां पे आपका, 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो यहां पे 21 बिल्कुल सही अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कर प्रणाली कब लागू की गई? तो ये आप सभी को पता होगा और ये क्वेश्चन भी कई बार जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए उसमें पूछ लिया गया है। तो 22 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल सही 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं जो 5-6 सेकंड आपको देता हूं इसका मतलब यही होता है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में 24 का ए बी सी डी में से ऑप्शन लिख सकें। ठीक है, तो लिख भी दिया करें जरूर। 25 आपका, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है?
तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, करनाल बट रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो यहां पे 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश की है, देश में है? तो 28 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आशा करता हूं कि आपने ऑप्शन नीचे बता दिया होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन जी बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसका आप राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ए 7, बी 15, सी 11, डी 9। तो 30वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। इसके आंसर सारे के सारे मैंने नीचे यहाँ पे एक पेपर पे लिख के आपको दे दिए हैं और यहाँ पे आप डेली इसी तरीके का टेस्ट ले सकते हैं अगर आप टॉपिक स्टडी चैनल के साथ में जुड़ जाते हैं। और भी जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उनके प्लेलिस्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को जो पहले अपलोड हो चुकी हैं। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट परचेज करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, जो छोटा से आपको त्रिभुज का निशान दिख रहा होगा साइड में, वहाँ से जाके जहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी टेस्ट की पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी आप टॉपिक स्टडी को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपका जो आप पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे सौरभ मलिक 17 के सर्च करिएगा, यहाँ पे केवल सीरियस स्टूडेंट ही अपना सवाल पूछ सकते हैं जो जिनका मैं रिप्लाई भी जरूर करता हूँ। फेसबुक पे भी आप सौरभ मलिक को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने टेस्ट को लाइक और शेयर तो कर दिया होगा। आपका स्कोर क्या रहा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आई होप कि आपको ये टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, बस आप इसी तरीके से लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।